1875 दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है और जो भी डबल स्टार की सपना लिए छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कमर कस लिया है। अगर आप चूक रहे हैं इससे तो आपकी ये बड़ी गलती होगी कि अभी से आप नहीं लगे होंगे। जो भी दरोगा का स्ट्रेटजी होगा, किताबें होंगी, कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, फी क्या रहेगा, जो भी चीजें आपको आपका सवाल होगा, सारे सवालों को लेकर हम आ चुके हैं द ऑफिसर्स एकेडमी के सर शशि शरण सर के साथ और कंप्लीट स्ट्रेटजी मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। दरोगा की 1275 वैकेंसी आ चुकी है और जो भी युवा होते हैं बिहार में जिनका हाइट अच्छा खासा रहता है सर, एक ही सपना होता है बिहार दरोगा, कंधे पर डबल स्टार, क्या करना होगा सर? देखिए, वर्दी अगर आपका जुनून है तो आपको उस जुनून से दुगनी ताकत से मेहनत करनी होगी। आपको मेहनत में कमी नहीं छोड़नी। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधे पर डबल स्टार सजे तो आपको इतना ज्यादा पसीना बहाना होगा, वही पसीने की चमक आपके कंधों पर दो स्टार के रूप में चमकेगी। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात यह हुई कि छात्र करें तो क्या करें। अब देखिए, दो तरह के छात्र हैं इसमें। एक छात्र वो है जो पहले से तैयारी करते चले आ रहे हैं, जिनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। एक छात्र वो है जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन पास किया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एकदम फ्रेशर है। दो तरह के छात्र, दोनों के लिए सुझाव है। सबसे पहले उनके लिए जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अगर छात्र बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो उनको किसी कोर्स और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना कोई ऑनलाइन क्लास की जरूरत है, ना कोई ऑफलाइन क्लास की जरूरत है। बस वो सिंपल तीन फंडामेंटल को फॉलो करें, स्टडी, एनसीईआरटी, नोट्स और उसके बाद एमसीक्यू। क्या बोला है? स्टडी, एनसीईआरटी, नोट्स और एमसीक्यू। कहने पूरे का मतलब समझा दे। पूरे का मतलब बड़ा सिंपल सा है। आप पहले से तैयारी कर चुके हैं भाई, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं करनी है, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। आपको करना बस इतना ही है कि आप टॉपिक निकाल लीजिए, और टॉपिक भी खोजने की जरूरत नहीं है। कोई भी किताब आपके पास हो, कोई भी किताब, उसका इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में टॉपिक है, टॉपिक अपने हाथों से लिख दीजिए कॉपी पर। एक कॉपी बना लीजिए इतिहास का, 25-30 पन्ना छोड़ के फिर उसमें प्राचीन कर लीजिए, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक कर लीजिए। प्राचीन इतिहास में 25 टॉपिक है, 25 टॉपिक को निकाल लीजिए, मान लेते हैं। अगर मध्यकालीन में 10 टॉपिक है, 10 को लिख लीजिए, आधुनिक में 10 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, 15 को लिख लीजिए। एक टॉपिक एक समय में पढ़ के खत्म कर दीजिए। आपने पहले से पढ़ रखा है, आप किसी भी अच्छे शिक्षक से पढ़ चुके हैं और सब शिक्षक बढ़िया हैं, तो आपने टीचर से पढ़ रखा है, उनके नोट्स को रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद जो की पॉइंट्स हैं उन की पॉइंट्स को अपने उस पेज में लिख दीजिए। अगर आप एक पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे तो एक पन्ना में पूरा का पूरा की पॉइंट्स आ जाएगा, और जब पूरा की पॉइंट्स आ जाएगा तो उसको आपने खत्म कर दिया। फिर आप क्या करेंगे तो एनसीईआरटी का पेज पलट के देख लीजिए। पीडीएफ लेवल है एनसीईआरटी जी, पहला लेवल में एनसीईआरटी नहीं करना है। पहले लेवल में अगर एनसीईआरटी करेंगे तो आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा जो है वो कठिन भाषा होती है, सरल नहीं होती है। तो चार लाइन आप पढ़ने के समझने के लिए आपको अलग किताबें एक पन्ना पढ़ना पड़ेगा, इतना हार्ड है एनसीईआरटी। हार्ड कहने का मतलब है कि उसके एक पैराग्राफ में जितना कंटेंट होता है उसको अच्छे से समझने के लिए अच्छे अच्छे किताब के लेखकों को एक पन्ना लिखना पड़ता है, ये सच्चाई है। तो इस वजह से आपने अपने पहले नोट्स को रिवाइज कर लिया, बुलेट पॉइंट बना लिए। दूसरा, आपने एनसीईआरटी खोल के निकालिए कि वो चीजें एनसीईआरटी में कहां पर हैं, और वो चीजें एनसीईआरटी में जब आप ढूंढ के निकाल लेते हैं तो उसके बाद आप एनसीईआरटी को अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए। जो बात कॉपी में लिखी है उससे कुछ ना कुछ जरूर ज्यादा मिलेगा एनसीईआरटी में। आज हम भी पढ़ते हैं तो हमको हर बार कुछ नई चीजें मिलती हैं, तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए। जो चीजें कॉपी में पहले से लिख चुके हैं उसको एनसीईआरटी में सेम चीजें तो मत लिखिए, जो एक्स्ट्रा वाला पॉइंट है उसको कॉपी में लिखिए। लिखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कलम घिसना महत्वपूर्ण है। अगर कलम नहीं घिसेंगे तो सफलता मुश्किल है। नोट्स खुद से तैयार, बिल्कुल खुद से। अब एक पन्ना के अंदर में नोट्स का रिवीजन था, एनसीईआरटी का एड ऑन आपने खुद कर लिया। अब आती है बात टेस्ट सीरीज की। आप निकालिए अपना टेस्ट सीरीज, आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की किताब है या कोई भी किताब है, या किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। वैसे टेस्ट सीरीज जहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट हो। अब समझिए कि पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इन सारे का टॉपिक वाइज अगर कहीं टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन वो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है थोड़ा। कितना टेस्ट सीरीज एक दिन में अप्लाई करना है सर? देखिए, अप्लाई करना है, चार टॉपिक रोज पढ़ना है और चार टेस्ट सीरीज लगाना है। मतलब आप अपने पूरे 24 घंटे में चार भाग में बांट लीजिए, 2 घंटे का मॉडर्न हिस्ट्री, 2 घंटे का एंशिएंट, 2 घंटे का फिजिक्स, 2 घंटे का करंट अफेयर। टाइप वाइज मतलब बांट लिया आपने। अब एनसीएंट का आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसका टेस्ट लगा लिया, पढ़ा, कंप्लीट किया, नोट्स बनाया, एनसीईआरटी का एड ऑन किया और टेस्ट लगा लिया। टेस्ट में आपने 30 क्वेश्चन बनाए, टेस्ट सीरीज के अंदर में आपके 25 सही हो गए। तो रवि रंजन जी, वो 25 क्वेश्चन बच्चा अगर रात में सोया हो और मैं उठाऊं कह रहे उठ जा उठो, तुमको वही क्वेश्चन देना है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में वो बच्चा 25 के, जब पिछली बार 25 सही हुआ था, इस बार अगर नींद में भी है ना तो।
23-24 सही हो जाएगा। तो जो चीजें आपको आती हैं वो हमेशा आएंगी। तो जो क्वेश्चन गलत हो गया पांच, उस पांच क्वेश्चन को अपने उसी पन्ना के नोट्स में लिख देना है। समझिए, हड़प्पा पूरा नोट्स बनाया, हड़प्पा का एनसीईआरटी का एड ऑन किया, टेस्ट सीरीज लगाया, और जो क्वेश्चन गलत हुआ उस क्वेश्चन को भी हाथ से लिख दिया। तो बताइए कि अगली बार वो क्वेश्चन गलत होगा? नहीं होगा। अब उसका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, साइड करिए इसको। फिर दोपहर का टाइम लीजिए 2 घंटा, फिजिक्स का कोई लाइट टॉपिक उठा लीजिए, लाइट के साथ भी यही ऑपरेशन थिएटर में इसको ले जाइए और ऑपरेट कर दीजिए। फिर दोपहर में शाम में 4 से 6 में बैठिए, 2 घंटा का गैप लेके, 1 घंटा का गैप लेके चाय वाय पीजिए, आराम से घूमिए फिरिए, थोड़ा गाना सुनिए, उसके बाद 1 घंटा का गैप लेके फिर बैठिए, फिर कोई मॉडर्न के जगह मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक ले आइए, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़िए, खुद का नोट्स को रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी से एड ऑन करिए, टेस्ट सीरीज जाके लगाइए, खत्म हो गया। रात में एक बार 15 दिन का करंट अफेयर देख लीजिए, 15 दिन का करंट अफेयर थ्योरिकल। करंट अफेयर्स को लेकर काफी परेशान रहते हैं सर छात्र, किसी भी लाइब्रेरी में जाइएगा या किसी भी छात्र के रूम में जाइएगा सर, सुबह 6 से 8 YouTube लेकर करंट अफेयर्स, मतलब 2 घंटा 3 घंटा करंट अफेयर पे टाइम दे रहे हैं सर। मैं इस पे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेवल बढ़ गया सर, क्योंकि एग्जाम में 25-20 क्वेश्चन ऐसे करंट अफेयर्स जानते हैं, जिस करंट अफेयर को बच्चे नोट करते हैं यूट्यूब पे, मेरे यहाँ भी क्लासेस चलती है, लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। क्यों सर? पक्षधर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 2 घंटे में जो चीज मिलता है वो मिलता है कमेंट बॉक्स का एंटरटेनमेंट। अच्छा, वो मिलता है कमेंट बॉक्स का इंटरव्यू। 2 घंटे की जो चीज है आप एक बार मूल्यांकन करें खुद में, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, खुद में मूल्यांकन करें कि वो 2 घंटे में जो चीज आपने इनपुट लिया है क्या वो आप आधे घंटे में कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, तो आप पाएंगे कि आप कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, 3 चीजें पढ़नी है, पीआईबी का वेबसाइट है, डेली अपडेट होता है, डेली अपडेट होता है। दूसरा ऑल इंडिया रेलवे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने शिक्षक यूट्यूब पे पढ़ाते हैं आप खोल के देख लीजिएगा, ऑल इंडिया रेडियो, गूगल में जाके लिखिए, गूगल में डालिए ऑल इंडिया रेडियो, और ऑल इंडिया रेडियो पे सारी खबरें मिनटों में अपडेट होती हैं। अगर बच्चा दिन भर में जब जब खाना खा रहा है ना, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में रील चलाने के बजाय अगर ऑल इंडिया रेडियो का ऐप देख ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बच्चे का करंट अफेयर सुधर जाएगा, डेफिनेटली। क्योंकि न्यूज का, भाई एक बात बताइए, मेरे एक चीज का जवाब दीजिए, करंट अफेयर में आज मोदी जी ने यहां की यात्रा की, ये अग्रीमेंट समझौता साइन हुआ, ये न्यूज़पेपर्स को कैसे पता चलता है? जब सरकार अपने प्रेस रिलीज में देती है, तो प्रेस रिलीज में, तो प्रेस रिलीज कहां होता है सरकार का? पीआईबी पर या पीआरएस पर? पीआरएस से वो कहां कनेक्टेड होता है? ऑल इंडिया रेलवे में और रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो जो है, ऑल इंडिया रेडियो से बाकी लोग कवर बनते हैं। हमारे भी टीचर जब रात को करंट अफेयर ऑफिसर एकेडमी के बनाते हैं, तो वो ऑल इंडिया रेडियो से ही बनाते हैं, वो पीआईबी से ही बनाते हैं, वो पीआरएस से ही बनाते हैं। तो क्यों ना बच्चा ऑल इंडिया रेडियो का, ऑल इंडिया रेडियो का वो ऐप डाउनलोड कर ले, जब खाना खा रहा है तो उसको मोबाइल चलाने की आदत तो है ही, तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रील देखने के बजाय अगर वो ऑल इंडिया रेडियो को एक बार स्क्रॉल करके पढ़ ले, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर ना करंट की किताब की जरूरत है ना यूट्यूब की। देखिए वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक जो है, इसको तो अब मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि स्वयं के लिखे हुए चीज हमेशा कॉन्फिडेंस होते हैं। आपका खुद का हाथ का बनाया हुआ दाल भात चोखा भी आपको परीन से ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। ऐसे भी छात्र हैं सर जो बिहार दरोगा की काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका पीटी हो जाता है, मेंस में छट जाते हैं, मेंस हो जाता है, फिजिकल में छट जाते हैं, सारा चीज कंप्लीट हो जाता है तो मेरिट में छट जाते हैं सर। तमाम बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग कहना है कि मतलब कोर्स पढ़ने के बजाय, टीचरों के पास जाने के बजाय, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देंगे तो दरोगा के लिए बेहतर होता है। देखिए सेल्फ स्टडी किन के लिए, मुझे एक बात बताइए, ऐसे बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने पहले से बेसिक पढ़ रखा है, जिन्होंने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रखी है, जिन्होंने किसी टीचर से मार्गदर्शन ले रखा है, उनके लिए सेल्फ स्टडी है। मैंने आपके वीडियो के शुरू में बताया कि आपको किसी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की जरूरत नहीं, अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं तो आपको किस चीज की जरूरत है? टेस्ट सीरीज की जरूरत है। और मैंने बताया भी कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको टॉपिक का खुद से नोट्स और अपना रिवाइज करना है, एनसीईआरटी का एड ऑन करना और टेस्ट लगाना है। लेकिन जो नए छात्र है जिसको हिस्ट्री का एच नहीं मालूम है, जिसने पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं किया है, क्या वो 3 महीने के टाइम पीरियड में, 4 महीने के टाइम पीरियड में अपने से वो सेल्फ स्टडी कर पाएगा? तो बात उतना ही करें जितना लायक हो। सेल्फ स्टडी उनके लिए एकदम परफेक्ट है, मैंने वीडियो के शुरू में कहा है आपके, सेल्फ स्टडी उनके लिए है जो छात्र डायरेक्टली पहले से तैयारी कर चुके हैं, वो रिवाइज करें। लेकिन जो बच्चा कहीं पढ़ा ही नहीं है तो क्या 3 महीने जरूरत है? एकदम डेफिनेटली है भाई, उनको क्यों दिग्भ्रमित करेंगे, एकदम डेफिनेट जरूरत है उनको, नए छात्रों को। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी तो कभी नए रहे होंगे, बिल्कुल, ये जब नए थे तो क्या थी इनकी परिस्थिति? वो भी कोर्स खरीदते होंगे, नहीं ये नए थे तो क्या थे, ये बताइए ना, नए थे तो क्या थे? कमेंट बॉक्स में आके ज्ञान दे जाना अच्छी बात है, लेकिन इस बात को समझिए कि आप सब चीज को अपना समझिए। आप अपने छोटे भाई का मार्गदर्शन ऐसे करेंगे क्या? आपसे मैं पूछूं कि आपका भाई अभी ग्रेजुएशन करके आया है, आप ही से पूछता हूं, तो क्या आप मुझे बताइए कि आप उसको कहेंगे कि तुम 3 महीना बचा है सेल्फ स्टडी करो? फाउंडेशन कोर्स सभी को करना चाहिए, बस यही मेरा कहना है कि आज के दौर में फाउंडेशन कोर्स में, सोचिए हम लोग जब पढ़ते थे तो 2-2 लाख रुपए 1.5-1.5 लाख रुपए दिल्ली में फीस देते थे, आज उस एजुकेशन के अंदर में हर एक लोगों ने फीस को कम कर दिया, अफोर्डेबल बना दिया। आज गांव का बच्चा ऑफिसर एकेडमी में 22 से 25 शिक्षक पढ़ाते हैं, बिहार की सबसे बड़ी टीम का दावा करते हैं, और है
बिहार की सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी टीम है बिहार की। हमसे बड़ी टीम किसी के पास बिहार में नहीं है। ऑफिसर अकेडमी के पास लगभग 40 से ज्यादा शिक्षक है आज के डेट में। अच्छा, और हमारे यहाँ हर विषय अलग अलग लोग पढ़ाते हैं। एंशियंट के अलग टीचर हैं, मिडिवल के अलग टीचर हैं, मॉडर्न में दो दो टीचर अलग 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 पार्ट पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर टीचर के पास सीमित चीजें हैं पढ़ाने के लिए तो टीचर बैठ के उस पर R&D कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। 40 टीचरों की टीम है सर, तो पैसा तो काफी लेते होंगे दरोगा छात्रों से। पैसा बस इतना ही लेता है कि एक सब्जी बेचने वाला अपने बच्चों को मेरे यहाँ पढ़ा सकता है, इतना बहुत कम है। दरोगा का फीस, दरोगा का अभी ऑफर फीस जो है सिर्फ 799 रुपए है। मतलब 800 में आप दरोगा जी, 800 में दरोगा, सुन लीजिए, 800 रुपए के अंदर में लगभग 600 घंटे की क्लास, नोट कर लीजिएगा, 600 घंटे की क्लास, लगभग लगभग 350 टॉपिक का नोट्स, और टेस्ट सीरीज की तो बात अलग है, और बोर्ड PDF जो बोर्ड पे लिखते हैं उसके साथ उसकी बात अलग है, और उसके अलावा कुछ देकर 800 में दरोगा। डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में ये चीजें अफोर्डेबल कर सकता है आदमी, पहुंचा सकता है। और बिहार का बच्चा अगर अब कहे कि हम पैसे की कमी के कारण नहीं पढ़ पाए तो ये झूठ साबित हो जाएगा। एक बात बताइए, मान लीजिए ऑफलाइन कोई आता है, गरीब हो या कुछ भी हो, ऑनलाइन के लिए आप 800 दे रहे हैं, ऑफलाइन कितना में दरोगा? देखिए, ऑफलाइन में इस चीज को समझिए कि जहां पे आप हैं, संस्था का बहुत बिल्डिंग का कॉस्ट है, रेंट है, स्टाफ है, टाइपिंग है, प्रिंटिंग है। आप सोचिए कि इस एक क्लास ऑफलाइन कितना में सर? एक क्लास देखिए, ऑफलाइन के अंदर फीसें ज्यादा होती है, पता है कि व्यवस्था है चाहिए, लेकिन ऑफलाइन कितना में दरोगा? ऑफलाइन हमारे यहाँ दरोगा का जो फीस है वो 6,000 से 7,000 रुपए रखा गया है। मात्र 6,000 से 7,000 में दरोगा बना लीजिएगा, 6,000 से 7,000 का फीस, डबल स्टार दे दीजिए, डेफिनेटली डबल स्टार मिल जाएगा। वो पढ़ेगा तो बच्चा खुद समझ। देखिए, कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आपको अगर ऑफिसर एकेडमी में एडमिशन लेना है, आप जाइए ऑफिसर एकेडमी का यूट्यूब चैनल खोलिए और जाके वीडियो देख लीजिए। आप देखिए कि टीचर की भाषा कैसी है, शिक्षक की शैली कैसी है, शिक्षक का कंटेंट कैसा है, और पढ़ाने की क्या, जहां कंपैरिजन करना है वो यूट्यूब। बीपीएससी हो या दरोगा हो, कहीं ना कहीं छात्रों का रुख अब ये बता दिया है कि ऑफिसर एकेडमी पर लोग भरोसा कर रहे हैं। सर, अब किताबों की बात कर लेते हैं। जो भी छात्र हो, फ्रेशर हो या जो पढ़े लिखे हैं, किताबों के चयन में उनको काफी कठिनाई होती है सर। सोचते हैं लूसेंट पढ़े, स्पीडी पढ़े, या किसी अच्छे मानक पुस्तकों के चयन में भी उनको काफी कठिनाई होती है। तो एक दरोगा बनने के लिए कौन सी वो मेन किताबें होंगी जिसको अगर पढ़े आदमी अच्छा से, तैयारी से पढ़ लेता है तो दरोगा बन जाएगा? देखिए, दरोगा बनने के लिए आप ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। देखिए, दरोगा बनने का मतलब है कि आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए और विषय की तैयारी करनी है, ना कि परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है, दरोगा में क्या पूछ देगा, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना छात्रों को पता है। ठीक है, छात्रों का ये भी कहना होता है कि हमको विद्वान नहीं बनना है, हमको पढ़ना उतना ही है जिससे हमका हमारा काम हो जाए, रिजल्ट पढ़ा दिया जाए। आपको पता है कि क्या आएगा, नहीं आएगा ना, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, इंडियन हिस्ट्री, तो अगर हिस्ट्री लिखा हुआ है तो इतिहास में बताया गया है कि कितना टफ पूछा जाएगा कि आसान पूछा जाएगा, नहीं बताया गया है। और आज का वो दौर चला गया जो कोई कहेगा कि हम लड़वा देंगे, अब लड़ने वाला दौर धीरे धीरे जा रहा है। अब कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, अब बताया जा रहा है कि चीजों को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप एक चीजों को दूसरे चीजों से कनेक्ट करके आंसर टिक कर सकते हैं। वो दौर गया जब लूसेंट घोट के और क्राउन जैसी पुस्तकों को पढ़ के लोग रिजल्ट लेते थे। अब कौन सी किताबें, किताबें मानक पुस्तकें पढ़िए ना, पूरा इंडिया जानता है। जैसे अभी हिस्ट्री है तो एंशिएंट मेडाइवल में आप नोट से काम चला सकते हैं, मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए राजीव अहर की, स्पेक्ट्रम में भी है तो नेशनल मूवमेंट केवल स्पेक्ट्रम से पढ़िए, 1857 से आगे का भाग चैप्टर नंबर 10 से शुरू हो जाता है वो पढ़िए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया से शुरू होता है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो क्लास 11 की जो किताब है, जो क्लास 11 की किताब है उससे ज्योग्राफी पढ़ लीजिए एनसीईआरटी वाली से, पॉलिटी के लिए एकदम पतली सी किताब है 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उससे पढ़ लीजिए, साइंस के लिए 8, 9, 10th वाली जो पतली जो किताब एनसीईआरटी की आती है और जिसमें बॉक्स बना हुआ है उस पर विशेष ध्यान रखिए, करंट अफेयर के लिए रोज समाचार पत्र पढ़िए और ऑल इंडिया रेडियो देखिए, दिस इज मोर देन एनफ, पर्याप्त है, मोर देन एनफ। बाकी जो भी बिहार के कोने कोने में होंगे उनको 800 में दरोगा, बिल्कुल 799 में दरोगा का ऑफर अभी चल रहा है, अभी 3-4 दिन और रहेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, सर का दावा है और सर सीना ठोक कर कह रहे हैं कि बिहार के किसी कोने में अगर आप बैठे हैं और वर्दी का जुनून रखते हैं, कंधे पर डबल स्टार सजाना चाहते हैं तो मात्र 800 रुपया दीजिए, हम आपको एक अधिकारी बनाकर भेजेंगे। बाकी सर ने जिस तरह से स्ट्रेटजी पर बात किया, पूरी चीज बताया, कैसे पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, टाइप वाइज करना है, टेस्ट लगाना है तो कैसे लगाना है, इन चीजों को आप फॉलो जरूर कीजिएगा क्योंकि ऑफिसर एकेडमी छात्रों की एक भरोसा बन चुकी है। और जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं सर, काफी मेहनत करते हैं स्ट्रेटजी पर, अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं कि दरोगा के लिए जो टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, ऑफिसर एकेडमी लगभग 350 टॉपिक वाइज टेस्ट रिलीज करेगी, उसका ऑफर प्राइस आ रहा है मात्र 99 रुपए के अंदर में, काबिल न्यूज पर आज अनाउंस कर दे रहा हूं मैं, 99 रुपए में 300 जी टॉपिक वाइज, वो भी हड़प्पा अलग टॉपिक, वैदिक अलग टॉपिक, उत्तर वैदिक अलग, सब लाइन से मौर्य बुद्धिज्म जैनिज्म एवरी टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 अभी ऑफर में 99 चलेगा सर, बाद में बढ़ डोमिनोज से प्रेरित है क्या सर? वो पिज्जा भी डोमिनोज से प्रेरित नहीं है, मैंने
लोगों को देखा है, जब रात में मैं बोर्डिंग रोड से निकलता हूँ ना, तो ये सब्जी बेचने वाले उनके पास एक किलो टमाटर बचा रहता है ना, तो बेचारा रात में 11 बजे तक खड़ा होकर इंतजार करता है कि हमारे एक किलो यो टमाटर बिक जाता ना, तो अब घर जाते। तो ये दर्द मैंने देखा है, ये देखता हूँ 90 रुपया में 350 टेस्ट, बिल्कुल लगभग 350 टॉपिक वाइज टेस्ट। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, छात्रों के लिए कितना सस्ता है, मात्र 99 रुपया दीजिए और 350 दरोगा का टाइप वाइज टेस्ट देकर जाइए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।